फिर पांचों कर लो, फिर करो तो नहीं आए। चलिए कलम तो सवाल कर रहे थे, समाकलन कर क्लास पर बैठे। चल देखो जरा हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल, कार्य के सवाल कौन वाले, समाकलन वाले। उसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दो डायमेंशन वाले, जिसमें एक्स और वाई दोनों आए। कल जब हम लोगों ने पढ़ा था तो केवल वहाँ पर एक्स था, इस पर दिया था मेरा सवाल एक्स बराबर है मतलब टू एक्स, फिर ये निकाल लीजिए, फिर क्या कह रहा था कि एक्स बराबर कहाँ से एक से दो तक, कल वाले क्वेश्चन में एक से दो तक जाने का ऐसा नहीं बदले, जो बल दिया था वो भी एक्स पर निर्भर कर रहा था, और यहाँ पर जो आपको लिमिट दी हुई थी वो भी क्या थी एक्स, एक्स बराबर एक्स एक्स बराबर दो। अब यहाँ पर सिस्टम क्या है, यहाँ पर जो बल है वो x पर भी निर्भर कर रहा है और वाई पर भी, देखो ये आई है और ये जे है। हम लोगों ने सदिश में पढ़ा था कि किसी सदिश f को या किसी सदिश को हम लोग उसके किस में लिखते हैं घटकों में, इस तरह एफ एक्स आई है और एफ वाई जे है, जो आई टाइप के साथ होता है वो x घटक होता है, जो जे टाइप के साथ होता है वो वाई घटक होता है। देखो सवाल करते हैं कि करेंगे क्या हम लोग, हम f बराबर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। जरा ध्यान से देखिए हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एफ वाई बराबर टू वाई, बोलो सही है। अब इसके लिए अलग कार्य निकाल लेंगे, इसके लिए अलग कार्य निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये एक्स वाला कार्य ये वाई वाला कार्य, दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, एक्स वाले कार्य को निकाल लेंगे एक्स की लिमिट चाहिए और y वाले कार्य को निकाल लेंगे y की लिमिट चाहिए, देखो आपको दी हुई है, क्या कह रहा है 0 से 1 0 कॉमा 1 से लेकर कहां तक जाना है 2 कॉमा 3, तो आप जानते हैं निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं x कॉमा y, तो जो पहले लिखा है वो हो गया x1 y1 और जो बाद में लिखा है वो क्या हो गया x2 y2, ये x1 से x2 इधर ये y1 से y2 हो गया। क्या लिखेंगे इस तरह w बराबर एक बार क्या करेंगे fx dx और एक बार क्या करेंगे fy dy, जब x का करेंगे तो लिमिट x की लगाएंगे, उससे दर्ज की लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2 और y की लिमिट कहाँ है 1 से लेकर 3 तक, x कॉमा y है ना, तो इसका x 0 और इसका x 2, 0 से 2 1 और 3 ठीक है। मान रख के अगर मैं हल करना है तो 0 से 2 fx का मान है x स्क्वायर dx प्लस 1 से 3 और एफ वाई का मान है कितना 2y dy। चलिए हल करिए, देखो जरा ध्यान से घात क्या होती है, बढ़ जाती है, 2 थी तो x क्यूब हो गई और उसी घात से क्या करते हैं भाग, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और क्या लिखते हैं लिमिट 0 से 2 प्लस इधर आओ, तो 2 क्या है कांस्टेंट, 2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ लगा था बाहर, अब बचा केवल y, तो y की घात कितनी लिखी है 1, एक घात बढ़ाओगे तो y स्क्वायर होगा और उसी घात से क्या दोगे भाग, और
लिमिट कहाँ से कहाँ है, एक से तीन। चलिए इस दो से दो काट दीजिए, यहाँ पर देखिए क्या बचा, एक बटे तीन अलग कर लिया, यहाँ पर बचा केवल एक्स क्यूब और लिमिट है जीरो से दो। तो लिमिट कैसा लगाते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट की फिर दो एक्स से क्या रखेंगे दो, फिर माइनस लोअर लिमिट को एक्स से क्या रखेंगे जीरो का क्या करना है क्यूब प्लस, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से वाई स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है वाई स्क्वायर, एक बार अपर लिमिट तीन रखा तो तीन का स्क्वायर और माइनस एक बार एक का स्क्वायर। चलिए हल कर लीजिए जरा ध्यान से देखेंगे, एक बटे तीन दो का क्यूब आठ और इधर जीरो है तो खत्म है, तीन का स्क्वायर नौ दो, एक का स्क्वायर एक तो नौ में से एक गया आठ, एलसीएम ले लो तीन एलसीएम आ जाएगा यहाँ आठ आ जाएगा यहाँ क्या जाएगा चौबीस, डब्लू बराबर क्या जाएगा बत्तीस बटे तीन, ठीक है वहाँ जीरो से
एक फिर से वही है, एक बल है 2xi का है और 3y2j का है, ठीक है। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, एक से एक कॉमा दो से तीन कॉमा चार कारक कहाँ है, ठीक है। करिए इस बल को से करिए, पिछले वाले क्वेश्चन की हेल्प ले लीजिएगा, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। पहले इसकी तुलना करके एफएक्स निकाल लेना, एफवाई निकाल लेना, फिर अलग अलग समाकलन कर लेना। आ रहा हो चेक कर लिया जाएगा, और भी कोई करे लोगों में से किसी का नहीं आया,
भूखे देखे चले गए थे, बायो क्लास थी, बायो क्लास में थे, भागे नहीं थे, हमें लगा भाग गए होंगे। कल तो केमिस्ट्री की क्लास थी ना, बायो तो अचानक से हो गई ना। आया किसी का? Yes. कितना? 66 कैसे आ रहा है? तुम्हारा कितना है बगल में? आ गया? और बगल में? देखो जरा कहाँ तक? अरे 64, 65, 66 और लाइन से चल रहे हो। तुम लोग बताओ, नहीं आ रहा? सब पिछले जैसा ही तो है, उसमें नया क्या है? इसी तरह 3 डायमेंशन वाला भी किया जा सकता है, उसमें जेड वाला टर्म आ जाएगा तो आपको निर्देशांक और बढ़ा देगा, 1, 2, 1, 2, 3 से लेकर इस तरह दे देगा, एक्स का अलग, वाई का अलग और जेड का अलग, इस तरह कर सकते हैं। गया
और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस इस तरह पहले लिखेगा डब्ल्यू सी। क्या क्या है जरा समझिएगा, डेल्टा यू को कहते हैं जहां भी डेल्टा लगा हो मतलब परिवर्तन, और यू का मतलब स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। और इसको बोलते हैं सी फॉर्स कंजर्वेटिव, इसको बोलते हैं संरक्षी, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। और ये स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, और क्या लगाया आगे माइनस लगाया, अगर ध्यान समझिएगा डेल्टा यू का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन दिखाने का तरीका होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर माइनस डब्ल्यू सी। या आप जानते हैं यदि अभी आपको समान कार्य को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यू एफ माइनस यू वाई माइनस समाकलन एफ सी, अगर एक्स में है तो एक्स, वाई में है तो वाई, एक्स में तो डी एक्स, वाई में तो वाई, जेड में तो डी जेड, और अगर नॉर्मली है तो डी आर डी। अब देखिए इसके सवाल कैसे बनते हैं, इसके सवाल में आधा काम वही है, समाकलन करके मान निकालना वही कहानी है, नया क्या जाएगा आगे स्थिति ऊर्जा। जैसे क्वेश्चन तुमसे कह रहा हो यदि बल F बराबर 2x हो और एक्स बराबर एक पर स्थिति ऊर्जा 10 जूल हो, तो एक्स बराबर दो पर स्थिति ऊर्जा निकालिए। ठीक, देखो वही कहानी है, एक्स बराबर एक पर दिया है और एक्स बराबर दो पर निकालना है। एक्स बराबर एक क्या है प्रारंभिक, और एक्स बराबर दो क्या है अंतिम। तुम क्या लगाओगे सूत्र, U final minus U initial बराबर minus F dx, क्योंकि F में केवल क्या है x है, अगर y होता तो x y दोनों होते तो अलग अलग कर लेते। अब final का मतलब है कहाँ पर, दो पर, तो minus initial का मतलब कितना है एक पर, बराबर अब लिमिट लगानी है तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, एक से दो लिमिट कट गई। और F का मान कितना दिया है 2x, 2x क्या हो गया ये, अब इसको हल कर लेना है, बस मान निकल आएगा, U2 तुमको निकालना है और U1 तुमको दिया है, तो U2 माइनस U1 कितना दिया है 10 बराबर माइनस, इसका मान निकालना जानते हैं 2 cos के बाहर आता है तो इसका x स्क्वायर बटे 2 हो जाता है, और लिमिट लगा देते हैं 1 से 2, तो ये तो कट जाएगा, यहां बना U2 माइनस 10 और यहां माइनस, हमने उधर ध्यान से लिमिट लगानी है x स्क्वायर, तो ये 1 से 2 पहले 2 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यू टू माइनस 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 3, ये माइनस 3, और ये माइनस का 10 वहाँ जाएगा तो जाएगा प्लस का 10, तो यू टू बराबर कितना जाएगा 7, यू टू बराबर कितना जाएगा 7। इस तरह इसके भी क्वेश्चन बनते हैं, अब ये एक डायमेंशन वाला, इसके बाद दो डायमेंशन बना देंगे। पेपर जाओ
यही इसीलिए कहा होगा कि अब 4000 रुपये में क्या मिलता है। हो गया क्यों? Yes, अब इसी तरह इसमें आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं? टू डायमेंशन वाले भी कर सकते हैं कि इक्वेशन होती है क्या, जो बल हमें चाहिए वो कौन से संरक्षी बल चाहिए। अब आप लोगों के सिलेबस में जो भी बल आएगा इस तरह के सवाल करने को संरक्षी वाला ही दिया होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि जो स्थिति दूर से हम लोगों ने पढ़ी है, अगर उससे पूछता है तो यही बात है जी एच दूर्जा के नाम कितना सीखते हैं हम लोग जी, वो स्थिति ऊर्जा का एक प्रकार है। कौन सी स्थिति ऊर्जा? वृद्धि स्थिति ऊर्जा। बाकी स्थिति ऊर्जा का मेन कहानी कहाँ शुरू होती है? यहाँ से जरा समझते हैं कि स्थिति ऊर्जा कौन कौन सी हम लोग जानते हैं। एक तो जानते हैं यही MgH, और कौन सी जानते हैं? और जानते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग ऊर्जा नहीं जानते हैं। इसमें पहली कौन सी आती है? वृद्धिशील स्थिति ऊर्जा। इसमें क्या सूत्र बन के आता है? क्या होता है? द्रव्यमान। जी क्या होता है? ऊर्जीय दोलन। और एच ऊंचाई।
तो नंबर दूसरे पर क्या आती है, स्प्रिंग ऊर्जा या स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा। ये वाला सवाल मुझे कल करा था लिफ्ट वाला।
और एक ऊपर
उस टाइम इसमें से ग्रेडिएंट कट है तो Thank you.
के जल्दी कहो इसमें भोला का ही है नोट हो गया हम लोग क्वेश्चन लिखो ये एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु जो 5 मीटर प्रति सेकंड जो 5 मीटर प्रति सेकंड ये तो यार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है संधारित्र वाला ये एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है चलेगा 5 मीटर बस के वेग से चाल से गतिमान है कोलिस्टाल आगे लिखिए जब इस पर एक बाह्य बल लगाया जाता है तो इसकी चाल बढ़कर तो इसकी चाल बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है फुल स्टॉप बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए अब देखिए नॉर्मली हम लोग बल जब कार्य निकालने की बात करते हैं तो हमको बल चाहिए होता है विस्थापन चाहिए होता है तो ना तो यहाँ बल दिया है ना यहाँ विस्थापन दिया है तो यहाँ पर कौन काम है कार्य ऊर्जा प्रमेय देखो पहले कितने से चल रहा था प्रारंभिक कितना दिया 5 मीटर प्रति सेकंड और बाद में कितने से चलने लगा 10 मीटर प्रति सेकंड द्रव्यमान कितना है 20 किलोग्राम है ये ना बोलो कार्य पूछ रहा है तो आप लगाइए कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कार्य ऊर्जा प्रमेय से k फाइनल होगा हाफ एम वी एन स्क्वायर और ये होगा हाफ एम बी आई स्क्वायर मान रखिए उत्तर प्राप्त हो जाएगा b फाइनल यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर चलो हल कर लो जरा देखो 2 से इसको काटो 10 बार जाएगा ये 100 से 1000 हो जाएगा माइनस 2 से काटो 10 बार जाएगा 5 5 25 250 हो जाएगा कितना जाएगा 750 तो बिना बल और विस्थापन के जब कार्य पूछिए तो समझ जाइएगा
किसकी बात हो रहा है, कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात हो रही है। हो गया बोलो। चलो कल पढ़ेंगे शक्ति।